अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं ओर्चिड फोर्ड शोरूम NH58 परतापुर बाईपास मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। ऑडिट के नाम पर 200-200 रुपए की वसूली करने के मामले ने मेरठ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को चर्चा में ला दिया है। जिस सहायक अध्यापक का वीडियो जारी हुआ था, BSC ने जांच गठित करते हुए उसे भी निलंबित कर दिया है। अब उन दो टीचर्स को भी निलंबित कर दिया गया है जिन्होंने 200 रुपए देकर ऑडिट कराने की बात स्वीकार की थी। यानी 200 रुपए लेकर ऑडिट कराने वाले भ्रष्टाचार के कुंड में 200 रुपए के रूप में अपनी आहुति देने वाले भी अपनप गए। इसके पीछे यही सिद्धांत बताया जा रहा है कि यदि रिश्वत लेना गलत है तो रिश्वत देना भी गलत ही है, यानी दोनों ही बराबर के सजा के दोषी हैं। जिले के सभी सरकारी विद्यालयों में व्यवस्था, रखरखाव, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म आदि के लिए शासन से जो धनराशि आती है उसका साल में एक बार ऑडिट होता है। ऑडिट की जिम्मेदारी स्थानीय लेखा परीक्षण पर है, लेकिन ऑडिट कराने वाले अधिकारी विभागीय अधिकारियों से सूचनाएं लेकर अलग अलग कार्यालय में जाकर पूरे ब्लॉक का एक ही दिन में ऑडिट कर लेते हैं। जानी ब्लॉक के ABSA कार्यालय में एक शिक्षक ऑडिट के नाम पर हर स्कूल से 200 रुपए वसूल रहा था। जिले में 910 प्राथमिक विद्यालय व 432 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। कुल 1342 विद्यालयों से 200 रुपए के हिसाब से कुल मिलाकर के 2,68,400 रुपए इकट्ठे होंगे। यह धनराशि लेते हुए सहायक अध्यापक विनोद कुमार शर्मा की वीडियो वायरल हो गई। हालांकि विनोद कुमार का यह भी कहना था कि ऑडिट के नाम पर पैसे लेने वाली बात गलत है। कुछ साथी शिक्षकों का आयकर रिटर्न फाइल करने में जो खर्चा हुआ था वह वो पैसे ले रहा था। गंभीर बात यह भी है कि इसे लेकर कुछ शिक्षक नेताओं ने यह भी आरोप लगाए थे कि ऑडिट के नाम पर जिले में खुलेआम लूट हो रही है। जिन स्कूलों में कमी होती है उससे अधिक धनराशि वसूली जाती है। इस वीडियो के वायरल होने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने माध्यमिक विद्यालय फैजाबाद पंचगांव जानी के सहायक अध्यापक विनोद कुमार शर्मा को प्रथम दृष्टया दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया था। साथ ही अब खंड शिक्षा अधिकारी रजपुरा व खंड शिक्षा अधिकारी द्वारालो को जांच अधिकारी भी बना दिया था। संपूर्ण घटना का एक पहलू यह भी रहा कि दो शिक्षकों ने जांच अधिकारियों के समक्ष यह बात स्वीकार की थी कि उन्होंने ऑडिट के लिए 200-200 रुपये का भुगतान किया है। इस जांच आख्या पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय अमान उल्ला जानी के सहायक अध्यापक धीर सिंह व फैजाबाद जानी की अध्यापिका अनामिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी क्रम में जिस टीचर योगेंद्र सिंह द्वारा यह वीडियो बनाई गई थी उसका भी जवाब तलब कर लिया गया है। योगेंद्र से पूछा गया है कि किस अधिकार के तहत यह वीडियो बनाकर वायरल की गई, क्या इसे बनाने से पूर्व उच्च अधिकारियों से स्वीकृति ली गई थी अथवा नहीं। कुल मिलाकर इस वायरल वीडियो की चपेट में वसूली करने वाला, पैसे देने की पुष्टि करने वाले और वीडियो बनाने वाला भी आ गया है। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।